केंद्र सरकार के तोहफे पर गदगद हुए सीएम योगी, जमकर की पीएम मोदी की तारीफ। क्या है पूरी खबर, जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आपके साथ सामिया खान और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 28 नवंबर को आयोजित की गई मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में आम जनता से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए थे और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को सहमति दे दी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पीएम जनमन के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 प्रमुख हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दरअसल झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस पीएम पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना का कुल खर्च 24,104 करोड़ रुपए होगा। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 15,336 करोड़ रुपए होगी और राज्य 8,768 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। मंगलवार रात को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 समुदायों को खास तरीके से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में श्रेणीकरण किया जाएगा। सरकार ने कहा कि इन पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा क्षेत्र में कमजोर माना जाता है। केंद्र के इस फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी और खुशी जताई। सीएम ने सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर कहा, अंत्योदय के संकल्प की सिद्धि के लिए सतत संप्रत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी 5 वर्षों तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना से देश भर में लगभग 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क राशन का लाभ प्राप्त होगा। गरीब कल्याण के संकल्प को साकार करते इस संशील निर्णय हेतु आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री। सीएम ने दूसरा पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की स्वीकृति स्वागत योग्य है। उन्होंने लिखा, 24,104 करोड़ पर व्यय के साथ गरीबी कल्याण को समर्पित ये महाअभियान लाखों जनजातीय भाई बहनों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को बेहतर कराने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। जनजातीय समाज के समग्र कल्याण हेतु इस महाअभियान के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। इसके अलावा सीएम योगी ने अपने तीसरे पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के उद्देश्य से महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकृति दी है। उन्होंने लिखा, स्तर 2023-2024 से स्तर 2025-2026 की अवधि के लिए संचालित होने जा रही इस योजना से लगभग 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह लाभान्वित होंगे। सीएम ने लिखा, कृषि क्षेत्र में अनंत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने तथा मातृ शक्ति के समग्र उत्थान को समर्पित इस सराहनीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। बहरहाल, आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।